गुरुकुल नहीं जा पा रहे हैं तो गुरुकुल को घर ले आइए। और ऐसे बहुत सारे मॉडल हैं हमारे पास जहां मैंने देखा कि माता पिता ने घर पे ही बच्चों के लिए ऐसा वातावरण पैदा कर दिया। आप किसी भी इस्लामिक बच्चे से पूछिए, वो आपको बताएगा अल्लाह ताला कौन है, वो आपको बताएगा मोहम्मद साहब कौन है, वो आपको बताएगा कलमे क्या क्या है, वो आपको बताएगा कुरान क्या है, वो आपको हदीसें पढ़ के बताएगा, वो आपको आयतें सुनाएगा। लेकिन आप किसी भी सनातन धर्मी के बच्चे से पूछिए तो वो जिंगल बैल तो सुना देगा लेकिन भगवद गीता का एक भी श्लोक नहीं सुना पाएगा। अब आप कह रही हैं कि बच्चे क्या जानने चाहिए, पहले तो माएँ जाने, माता निर्माता भवती, माता अच्छी होगी, माता जानती होगी तभी तो वो बच्चों को पढ़ाएगी। माता यदि टिकटॉक पर वीडियो बना करके डांस करेगी तो बच्चों से हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो हनुमान चालीसा आपको पढ़ करके सुना देंगे, है ना। तो बच्चों के लिए सबसे पहले एक पुस्तक है छोटी सी, आर्य उद्देश्य रत्नमाला। ये पुस्तक जो है इसमें 100 डेफिनेशंस हैं, जैसे पहली डेफिनेशन धर्म की, दूसरी डेफिनेशन अधर्म की, तीसरी डेफिनेशन ईश्वर की, चौथी डेफिनेशन विद्या की, पांचवी अविद्या की, ऐसे सारे जो मूल सनातन संस्कृति है उसकी जो मुख्य परिभाषाएं हैं, वेदोक्त परिभाषाएं हैं, सत्य आधारित परिभाषाएं हैं, विद्या पर आधारित परिभाषाएं हैं और ज्ञान आधारित परिभाषाएं हैं, वो आर्य उद्देश्य रत्नमाला में है। आपके बच्चे को पता होना चाहिए कि धर्म क्या है, उसको पता होना चाहिए ईश्वर क्या है, उसको पता होना चाहिए सत्य क्या है, उसको पता होना चाहिए स्वर्ग क्या है, उसको पता होना चाहिए नरक क्या है, उसको पता होना चाहिए पाप क्या है और पुण्य क्या है, ताकि उसको संसार में, इस समाज में कोई भी ढोंगी, कोई भी पापी, कोई भी दुराचारी, कोई भी अत्याचारी उसको ठग ना पाए। तो ये जो आर्य उद्देश्य रत्नमाला, ये उसको पता होना चाहिए। दूसरी बात, उसको भगवान श्री राम का बेसिक कैरेक्टर पता होना चाहिए, उसको भगवान श्री कृष्ण का बेसिक कैरेक्टर पता होना चाहिए, उसको वीर हनुमान का बेसिक कैरेक्टर पता होना चाहिए। ये नहीं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, ठीक है मैं पेपर में पास हो जाऊं बस, दैट्स इट। ये नहीं उसको कि हनुमान जी पर लाल सिंदूर लगाया हो गया, ये नहीं कि राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की हो गया, ये नहीं कि राम जी के आगे माथा टेक दिया लेकिन राम जी कौन थे पता ही नहीं। और जब ये पता नहीं होता तो घर में भाई भाई से लड़ता है, जब ये पता नहीं होता तो बेटा अपनी माँ से लड़ता है, जब ये पता नहीं होता तो पति और पत्नी में आपस में विवाद होता है। लेकिन जब उनको राम जी के सामने मस्तक झुकाने से पहले ये पता होगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का वास्तविक चरित्र क्या था, तो हर घर में श्रेष्ठ भ्राता पैदा होंगे, हर घर में श्रेष्ठ माता पैदा होगी, हर घर में श्रेष्ठ भाई पैदा होंगे, हर घर में श्रेष्ठ पुत्र पैदा होंगे और हर घर में श्रेष्ठ पिता पैदा होंगे। तो हर नौजवान को, आपके हर बच्चे को कम से कम भगवद गीता के 50 श्लोक आने चाहिए, उसको हनुमान चालीसा आनी चाहिए, उसको आपके पूर्वजों का चरित्र पता होना चाहिए, क्योंकि नहीं पता होगा तो कोई भी बोलेगा जाओ नौ गजा पीर पे चादर चढ़ाओ, आपके बच्चे को पता ही नहीं, क्योंकि वो तो राम को, हनुमान को, कृष्ण को और नौ गजा पीर को, गाजी बाबा को और मोइनुद्दीन चिश्ती को, सबको एक ही श्रृंखला में रखता होगा। तो यदि उसको राम का कैरेक्टर पता होगा तो उसको मालूम चलेगा राम इधर है और मोइनुद्दीन चिश्ती उस श्रृंखला में है ही नहीं, कौन पापी है और कौन पुण्यात्मा है वो जानता होगा।